पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडीए के गेट पर कर्मचारियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इसके अलावा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आज दूसरे दिन सभी विभागों के कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर हड़ताल की। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 110 कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। कर्मचारी संयुक्त संगठन इन कर्मियों की सेवा बहाल न करने तक 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। मंगलवार को भी एमडीए के मुख्य गेट पर कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर धरना दिया। धरने पर पीड़ित कर्मचारियों के परिवार के लोग और बच्चे भी रोज की तरह धरने पर बैठे। इस दौरान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एमडीए प्रशासन होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। वहीं कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रदर्शन और हड़ताल में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कहा है कि वो उनके साथ हैं। देखिए, पिछले 16 दिनों से विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष महोदया के द्वारा 110 कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाल जाने के संबंध में जो जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी यानी संदीप बडोला जी अध्यक्ष और मैं महासचिव होने के नाते जो निर्णय लिए गए उन 110 कर्मचारियों के प्रति, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं निरंतर। और जैसा कि एक प्रोग्राम ये था कि आज कलेक्ट्रेट पर 19 तारीख को जो है 2 घंटे के लिए हड़ताल करी जाएगी, वो हड़ताल 2 घंटे के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक सारे ही विभाग कलेक्ट्रेट के बंद रहे और सभी कर्मचारी मेरे यहाँ उपस्थित हैं। जिला समन्वय समिति के सचिव होने की हैसियत से सिर्फ इतना मैं आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से अनुरोध करूंगा, आपका सहयोग के लिए पहले मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपका पूरा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ये संदेश आवश्यक आज जो है ये डिस्प्ले होना चाहिए। महासचिव होने की हैसियत से मैं आपके मीडिया के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सीधा संदेश दे रहा हूँ जिला प्रशासन को कि हम ज्ञापन दे चुके हैं और 22 तारीख से हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है जिसमें जिले के सारे ही विभाग बंद रहेंगे। जो दैनिक वेतन भोगी थे वहाँ के उपाध्यक्ष द्वारा नियमित तरीके से बाहर कर दिया गया, ये और ही आपत्तिजनक है। संपूर्ण जिला एमडीए के कर्मचारियों के साथ है और अगर उपाध्यक्ष ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया और उन कर्मचारियों को वापस नहीं हुआ लिया तो पूरा जिला बंद कर एक गंभीर आंदोलन चलाया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एमडीए प्रशासन, जिला प्रशासन और आयुक्त महोदय की होगी क्योंकि आयुक्त महोदय उसके अध्यक्ष भी। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ 22 तारीख में जो होने वाली हड़ताल है उसमें कितना सहयोग करेगा? कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जिला समन्वय समिति की जो स्थापना हुई थी उसमें पहले दिन से ही जिला समन्वय समिति के साथ है और जिला समन्वय समिति का जो निर्णय होगा उस निर्णय का अक्षर से पालन किया जाएगा और अगर उनका आह्वान संपूर्ण जिले को बंद कराने का होगा तो कलेक्ट्रेट भी बंद रहेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।